बिस्मिल्लाह नादिन तवानी सिराजुल्फ़िकार अली सतो यूट्यूब चैनल आईने पाकिस्तान 1973 जो आर्टिकल 45 है छाजे बारे में आए वो छाथो बुधाए के पावर जे तो इन हवाले से वो इन वक्त छाजे कर उन जो इस्तेमाल नो थे जदा तो पीटीआई जो सदर आरफ अलवी साहब सदर थी वेठो है उन वक्त सदर है वो आर्टिकल 45 आईने पाकिस्तान 1973 जो लातदाद पावर्स जे तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के तो कें जवाबदार के जो सजा दे बुधायल उनके सस्पेंड करे माफ़ करे उनके कें तरीके से माफ़ी के हवाले से उनके पावर है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के तो वो इस्तेमाल करे आर्टिकल 45 आर्टिकल 45 के हवाले से मैं थोड़ा मुख्तसर तक बुधाई हल तो आर्टिकल 45 जो सब्जेक्ट मैटर है वो है प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पार्डन यानी माफ़ी दियण जो अख्तियार जो है सदर पाकिस्तान के है यानी इन वक्त इमरान खान अंदर आए उनके सजा है सरकारी केस के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के खास तौर पर मैं वाजे बुधा यो आर्टिकल कें प्राइवेट फरियादी के हवाले से जैसे कें खून थी वे कें जाती को मसल हो एफ आई आर दर्ज कराए तो उन हवाले से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के वो आर्टिकल अख्तियार न तो दे तो कें जाती खून वे लेकिन सरकारी मामला के अंदर जी सियासी मसला सरकारी मसला स्टेट से मुंसलिक उन हवाले से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ये आर्टिकल 45 तमाम अहम ज़रूरी है तो वो इस्तेमाल करे तो करे इन वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन के हवाले लेकिन उनको इन वक्त अजा इंतजार कर सदर पाकिस्तान जो उन्हें भी कड़ी हिकमत अमली है कल तुम दिखो तो साइफर मामले के अंदर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के गिरफ्तार किया वो पूरी दुनिया इन वक्त इमरान खान के उन सच्चाई के दिसे थी तो इमरान खान वह कड़ी गाल है जैसे कर अजा ते झुके नो बिके नो अजा ते कमजोर नो थे अजा तई इन वक्त माफ़ी कलामी के हवाले से या सेटलमेंट के हवाले से छाजे करे हु असान जे सामू झुके नो या पूरी दुनिया दिसे पी थी इन हवाले से पूरी दुनिया परेशान है तो पाकिस्तान जो आवाम न 23 करोड़ आवाम न पूरी दुनिया की इस्लामी जेका कंट्रीज हैं जो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान रहन था वह सब इमरान खान के लिए दुआ कन था इमरान खान के लिए खैरातू कन था सदकात कन था उन बार बार अल्लाह से मदद घुरन था तो अल्लाह सही शख्स के महफूज रख तहफुज रख छाजे कर ही इस्लामी दुनिया जो एक वाहिद वो लीडर है जो मुसलमान की इज्जत में वाधारे कर हवाले से अल्लाह सही यह वही नेमत गनीमत है लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो बुध में अचे तो सोशल मीडिया के हवाले से इमरान खान के कायल कह तो कें तरीके से का रियायत हो रियायत पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ जो चेयरमैन है उन जड़ी रियायत मां समझा तो दुनिया में कोई अड़ो शख्स पैदा ही थियण ही ना है जो उन जड़ी सोच फिक्र दर्द रखड़ हो हर तबके फिक्र के मानू सा मकतब फिक्र के मानू सा हर वक्त उन ही सोच फिक्र से उन ही प्यार मोहब्बत से हलन चाहे तो जड़े तरीके से पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के हवाले से बुधायल है मुसलमान की जैमें इज्जत है लेकिन इन वक्त जड़े तरीके से उनके कमजोर किया तो वे मां समझा तो उन जिद के हवाले से उन गैरकानूनी डिमांड के हवाले से उनको झुकण कें तरीके से मुमकिन कोने को इन कर शाह महमूद कुरैशी के मुझी सोच मौजूद या तजियाकार जो सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया के हवाले से जी हलन था तो शाह महमूद कुरैशी के गिरफ्तार किया इन कर वो है तो जी इमरान खान के कायल कर समझाए उनसे गाली बोलू कर पूरी दुनिया जो गाल कर पूरी दुनिया छा मां समझा तो कें तबके जो जो मानू है तबके जो मुल्क छो न हो वो इमरान खान से इन वक्त गाल करवा उनके परचायण का सवाए उनके लिए कोई चारो को दरी कान्ने का उनके लिए कोई रस्त को इमरान खान इन वक्त पूरी दुनिया जो इस्लामी दुनिया के हवाले से अहम तरीन शख्सियत न बल्कि एक पर्सनलिटी है वो एक ब्रांड है पूरी दुनिया जो जैसे करे पूरी पूरी दुनिया जो नजरों इमरान खान ते हैं इन करे पूरी पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम उनके दुआन से नवाजे थी हर वक्त नमाजन के अंदर पाँच सदकात खैरात के अंदर इमरान खान के लिए खास दुआओं अल्लाह सही का ये जो इमरान खान जो मामलो है वो इंसान के दिलन का निकरी करे अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह पाक उनके दिसे तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है तो पाकिस्तान छा पूरी दुनिया के लिए इमरान खान एक मुसलमान के लिए एक बेहतरीन मिसाल कायम हों तो पाकिस्तान जो लीडर न पूरी दुनिया जो इस्लामी दुनिया जो लीडर जो इमरान खान है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के एक मायूस कुन मैसेज दियण चाहिंदुसि मायूस कुन मैसेज
तो पाकिस्तान की कौम अदालती निज़ाम का तमाम घनो मायूस थी चुकी है। 75 साल की तारीख में पाकिस्तान जो अदालती निज़ाम गरीब अमीर में फ़र्क खत्म न कर सकी है। बुनियादी हकन के हवाले से जो लताड़ थी है उनकी जो पासदारी न करण जो सबब है वह पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के कें तरीके से को भी एक्शन खण ना है। पाकिस्तान की अदालती निज़ाम तमाम कमज़ोर है। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम खौफ ए डप विचा सिर्फ गरीब से हावी थे हवाले से है। कें तरीके से पाकिस्तान के गरीब आवाम के पूरी पाकिस्तानी कौम के एक कौम के हवाले से जो इंसाफ मिलन खपे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में वो न तो मिले। जो वाज़े सबूत इमरान खान के केसिस के जल्द अज जल्द निपटान उनके सजा दियन उन मैटर्स के पेंडिंग रखे कर जो डिले टैक्टिस कई पी वे वो पाकिस्तान पर पूरी दुनिया ऐसे पी थी तो इमरान खान से पाकिस्तान अदालती निज़ाम कड़े तरीके से जुल्म बरपा कर तो 200 एफ आई आर दाखिल थी वही हूँ एक शख्स के मत जैसे खिलाफ कें तरीके से को सूह मोटो का अदालती को एक्शन वगैरह अज दिन न 23 करोड़ आवाम पाकिस्तान के इन लीडर की लाइ दुआं करें तो डिमांड भी करें तो पाकिस्तान अदालती निज़ाम का तो कें वक्त कम से कम इन लीडर के इंसाफ मिले पाकिस्तानी कौम के इंसाफ मिलने के बराबर होंगे। तुम्हारी वही मेहरबानी।